फ्रेंड्स, एनबीसीसी के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आ गए और यहाँ पर साल दर साल के तौर पर देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फ्रंट पर हमें फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और आज ही रिजल्ट से पहले यहाँ पर 206 करोड़ के ऑर्डर की एक प्रेस रिलीज निकल कर आई थी और थोड़े दिन पहले 860 करोड़ के आसपास के ऑर्डर की भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी। तो यहाँ पर इस कंपनी को भी बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इस रिजल्ट से भी इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि कल इसकी 3 बजे मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर अगले आने वाले दिनों के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है वो इस रिजल्ट से भी इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है। तो सबसे पहले अभी रिजल्ट की बात करें तो जो पिछले साल 2600 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन थी वो बढ़कर 2667 करोड़ पर आई। तो ओवरऑल यहाँ पर साल दर साल देखें तो 67 करोड़ का डिफरेंस है, यानी कि फ्लैट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल जो 83 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस बार भी 83 करोड़ आया। और ये फ्रेंड्स सभी आंकड़े लाख में तो मैंने करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताया। और इस बार 47 पैसे पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस शेयर में अगले आने वाले दिनों में कैसी चाल आएगी वो कल की मीटिंग ही तय करेगी जो 3 बजे होने वाली है। और उसका रिजल्ट उसका इफेक्ट शायद गुरुवार को हमें शेयर में अच्छे से देखने को मिल सकता है।